हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रूमा डॉट। अभी कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये है वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, जो कि आप देख सकते हो। एंड ये मैंने ब्लू साड़ी को दिमाग में रखते हुए ये वाला जो लुक है वो क्रिएट किया है। आप कोई भी सभी साड़ी अगर पहन सकते हो, साड़ी हो या फिर जो भी लाइक यू नो गाउन वगैरह के साथ भी पार्टी वेयर जो ड्रेस रहते हैं, चाहे वो इंडियन पहने चाहे वो वेस्टर्न पहने, किसी के साथ भी ये वाला लुक आप क्रिएट कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सा आउटफिट को ध्यान में रखते हुए ज्वेलरी एंड ऑल दैट आप यूज़ कीजिएगा, मतलब पहनिएगा। सो यस, आज जो है मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस वाली साड़ी पहनी है ब्लू कलर की, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ली है। एंड उसके साथ मैंने स्लीवलेस ब्लाउज डाला हुआ है जो कि मैंने मीशो से लिया है। एंड इसका ऑलरेडी शॉर्ट्स बना हुआ है, आई थिंक ये पहले अपलोड होगा या फिर शॉर्ट्स, जो भी हो आप लोग उसमें देख पाइएगा इस ब्लाउज का डिटेल्स। एंड यस, ये जो मैंने सेट डाला हुआ है ना, ये आप देख सकते हो, ये भी मैंने मीशो से ही लिया हुआ है एंड बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखिए, आप इसे साड़ी के साथ या फिर कोई भी एथनिक वेयर के साथ आप डाल सकते हो, या फिर आपको अगर लगे कि हाँ कोई भी वेस्टर्न ऐसा ड्रेस है जिसमें कि आप लाइक यू नो सिर्फ नेक पीस या फिर सिर्फ ईयरिंग भी आप डाल सकते हो एंड बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आपको आज का ये लुक अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप आज देख सकते हैं मैंने ब्लू का ही काजल का यू नो आई का जो मेकअप है वो किया है, और बहुत सटल सा मैंने मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा तामझाम वाला कोई भी मेकअप लुक नहीं किया है, मतलब मेकअप यूज़ नहीं किया है कि हाँ बहुत ज़्यादा आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप है, ऐसा कुछ। बहुत ही सटल सा लुक है, बट एज वेल एज बहुत अच्छा भी लग रहा है, एक ग्लैम लुक भी क्रिएट हुआ है। सो यस, ये जो है बैंगल, ये मैंने लाइक लोकल मार्केट से लिया हुआ है, ये स्टोन की बैंगल्स है। सो यार, ये देखिए आज का लुक। और चलिए जल्दी से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट कीजिए। एंड यस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे मैं करूँगी स्किन केयर, जिसमें कि मैंने गुड वाइब्स की रोज हिप कलेक्शन ली है, रेंज लिया है, जिसमें कि टोनर एंड सीरम ऐड किया है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी मॉइस्चराइजर के लिए लैक्मे पिच मिल्क सॉफ्ट क्रीम, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वाला मॉइस्चराइजर है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं मेवलिन फिटमी की प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर ग्लैम 21 का ये मैं इल्यूमिनेटर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, शादी ब्याह का मौसम है तो वैसे ही गेटअप मतलब रेडी करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं लैक्मे 925 का ये जो फाउंडेशन है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड दिस इज़ यू नो बहुत अच्छे से मैच हुआ था तो अच्छा लग रहा था। एंड ये है कंसीलर, कंसीलर वन ऑफ माई फेवरेट स्विस ब्यूटी का, और मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ गाइज। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं लैक्मे का रोज़ पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे आईब्रो अपना फील मतलब वेट एंड वाइल्ड से, आपको पता ही है मैं इसी से करती हूँ। इसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, जिस पैलेट की मदद से मैं देख रही हूँ अपने आईज़ का मेकअप, उसी पैलेट से मैंने किया है, मीशो से लिया था। नॉर्मल है ये न्यूड पैलेट एक था, जिसमें कि ब्राउन एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने लिया है। सो या बहुत अच्छा लग रहा था। आफ्टर दैट ये है एक वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस मेकअप, बिकॉज इसमें ब्लू हेवन की जो ये ब्लू काजल है वो मैं इस्तेमाल करूँगी, लोअर वाटर लाइन, वाटर अपर वाटर लाइन दोनों में। ये देखिए टैन टैन एन हो रहा है, पूरा मैजिक वाला मेकअप चल रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लूँगी लाइनर, मतलब लूँगी क्या, इसी काजल से मैं करूँगी। और उसके बाद फिर मैं एक एंगुलर ब्रश लूँगी, उसकी मदद से थोड़ा सा यू नो ब्लेंड कर लूँगी, तो बहुत अच्छा सा फिनिशिंग आएगा। थोड़ा सा लाइनर वे में करूँगी, जिससे कि थोड़ा सा विंग टाइप का लुक आए। और उसके बाद फिर मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यस, कलर एसेंस का यहाँ पे मेरा मोस्ट फेवरेट कॉन्टोर वाला ब्रॉन्जर वाला पार्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। मार्स का यहाँ पे मैंने ब्लश इस्तेमाल किया है, बहुत ही लाइट, एकदम लाइक यू नो बहुत लाइट वाला शेड यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है, सबसे लाइट वाला। यहाँ पे मैं मेबलिन का मोल्टन गोल्ड वाला मास्टर क्रोम का ये है, ये हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ। स्विस ब्यूटी का फिक्सर इस्तेमाल किया है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का पहले इनसाइड का ये जो लिपस्टिक इस्तेमाल किया है, उसके बाद
उसके ऊपर से बेला बोस्टे का लिपस्टिक मैंने न्यूड वाला शेड अप्लाई किया है, डार्क फाउन ऐसा कुछ नाम है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे, सो इसी से रिलेटेड थी। सो आई होप कि आपको पसंद आई हो आज की वीडियो, एंड या थैंक यू सो मच।